सो गाइज, आप में से काफ़ी सारे मेरे दोस्तों ने बोला था कि यार हिमालयन की ईएमआई डाउन पेमेंट की वीडियो लाओ। सो जो मिनिमम आप पेमेंट करके बाइक ले जा सकते हैं, मिनिमम डाउन पेमेंट करके, वो है 26,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ। आप ब्रांड न्यू 2021 BSX हिमालयन अपने लिए घर ले जा सकते हैं। ग्रेनाइट ब्लैक की बात कर रहा हूँ, विच इज़ टॉप ऑफ द लाइन कलर ऑफ द हिमालयन एंड इट इज़ वेरी फेमस BSX कलर में, बहुत ज़्यादा फेमस है इस समय ग्रेनाइट ब्लैक। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल लाइन डेट। लेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमालयन के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। तो जो रॉयल इनफील्ड की हिमालयन आती है उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 2,08,000 रुपये है। एंड उसका जो ऑन रोड प्राइस है रॉयल इनफील्ड हिमालयन ग्रेनाइट ब्लैक की अगर बात की जाए तो दैट इज 2,54,000 रुपीज़। 2,54,000 रुपये ऑन रोड प्राइस है हिमालयन की ग्रेनाइट ब्लैक अगर स्पेसिफिक कलर के बारे में बात करी जाए। एंड बात करेंगे हम इस बाइक के बारे में, अगर हमें इसे फाइनेंस कराना हो तो कितना हमें डाउन पेमेंट देना होगा, क्या लोन होगा हमारा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा हमें लोन पे, क्या हमें ईएमआई आएगी अगर हम 3 साल का लोन लेते हैं या फिर अगर हम 4 साल का लोन लेते हैं तो हमारी कितनी ईएमआई आती है। अब शुरुआत करते हैं एक सिंपल एग्जांपल लेके, जो नॉर्मली कोई भी एक आम आदमी जाता है शोरूम के अंदर और कहता है कि भाई मुझे ईएमआई पे गाड़ी लेनी है, मुझे फाइनेंस करानी है गाड़ी, तो मैं कितना डाउन पेमेंट दूं। सो अगर आपकी सैलरी लगभग 30,000 से 40,000 रुपये है, सिबिल स्कोर आपका ठीक ठाक है, एक एक्सेप्टेबल सिबिल स्कोर है, तो आप लगभग 20% जो है डाउन पेमेंट देते हैं आप ऑन रोड प्राइस का। तो लगभग 50,000 रुपये हम डाउन पेमेंट मान के चल देते हैं। अगर हम डाउन पेमेंट देते हैं 50,000 रुपये का तो जो लोन अमाउंट हमारे पास आके बचता है वो आता है 2,04,000 रुपये का, 2,04,000 रुपीज़ का यहाँ पर हमारे पास लोन अमाउंट बच के आता है। अगर बात करी जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो लोन पे हमें मिलता है, अगर आपकी सैलरी ठीक ठाक है, अच्छी खासी सैलरी है ना, आपका सिबिल स्कोर ठीक ठाक है, तो लगभग 7.5% का हमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चल लेते हैं बेटर साइड पे। अगर आपकी सैलरी कम है, सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब 12% तक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लोग पे करते हैं। वैसे अगर एक अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात की जाए तो 7.5% हम एक ठीक ठाक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मानते हैं। और अगर आप 3 साल का लोन लेते हैं, मतलब 36 महीने का लोन लेते हैं, 36 मंथ्स का, तो जो आपकी पर मंथ की ईएमआई आती है 3 साल तक जो आपको देनी होती है वो आती है 6,933 रुपीज़। एंड अगर आप यहीं सब कुछ सेम रख के लोन का टेन्योर 4 साल कर लेते हैं, मतलब 48 महीनों का अगर आप लोन कर लेते हैं, तो जो आपकी लोन की ईएमआई आती है पर मंथ की वो आती है 5,518 रुपीज़ पर मंथ। दैट इज़ व्हाट यू गेट एज एन ईएमआई। आपको ईएमआई इतनी देनी पड़ेगी हर महीने 4 साल तक। अब बात कर लेते हैं यार कि मिनिमम डाउन पेमेंट 26,000 हम कब दे सकते हैं। अगर आपकी सैलरी काफ़ी बढ़िया है, 50,000 रुपये के आसपास अगर आपकी सैलरी है, सिबिल स्कोर बहुत बेहतरीन है, तो आप 10% सिर्फ और सिर्फ ऑन रोड प्राइस का डाउन पेमेंट की तरह दे सकते हैं, जो कि लगभग 26,000 रुपये होता है। एंड आप पूरी गाड़ी फाइनेंस करा सकते हैं, उसके बाद लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके क्राइटेरिया के हिसाब से आपको मिलेगा। एंड अगर आप एक सैलरीड पर्सन नहीं है, अगर आपका खुद का बिजनेस भी है, तो भी अगर आपकी ITR अच्छी है, आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है अगर आप अच्छा भरते हैं, तो भी आपको आराम से लोन मिल सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको बाइक लेनी है, आप प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं या हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, पर अगर आपकी कोई इनकम है, चाहे किसी भी सोर्स से हो, आप फ्रीलांसिंग करते हैं, आप ऑनलाइन किसी तरीके से कमाते हैं, और अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं, तो भी आप अपनी रिटर्न पे, अपने इनकम टैक्स रिटर्न पे आप दिखा के लोन ले सकते हैं। बट अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी कोई भी कमाई नहीं है, तो आपको जो लोन है वो या तो अपने पेरेंट्स पे लेना पड़ेगा, या आपके जो बड़े भाई बहन हैं जो काम करते हैं, जो वर्क करते हैं, सैलरी जिनकी आती है अकाउंट में, उनके नाम से आप लोन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स को लोन नहीं देते हैं बिकॉज आपकी कोई अर्निंग इनकम नहीं होती है, अर्निंग नहीं होती, इनकम नहीं होती, जो कोई पैसा आपके पास नहीं आता किसी भी तरीके से, सो आपको लोन नहीं मिल सकता है। एंड हिमालयन के बारे में बात करते हैं यार, बहुत ही कमाल की एक टूरिंग ऑफ रोड बाइक है, शानदार बाइक है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस कर देगी आपको अगर आप चलाएंगे। कलर स्कीम्स बहुत सारी आती हैं, मेरी पर्सनल फेवरेट ग्रेनाइट ब्लैक है, आई रियली लव द कलर, बहुत ही प्रीमियम कलर है, ब्लैक कलर है, कमाल है। और इस बार तो आपको पता ही है काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हुई है हिमालयन BSX के अंदर, लाइक जो फ्रंट विंडशील्ड है वो टिंटेड हो गई है, साथ में हमें टिपर देखने को मिलता है विच इज़ द नेविगेटर, साइड रैक जो है उसे छोटा कर दिया गया है, टेल रैक में अब प्लेट लगा दी गई है,
एंड काफ़ी बढ़िया लुक के साथ आती है हिमालयन। आपको पता ही है लुक सेम है, लुक में ऐसा कुछ चेंज नहीं है, बस छोटे मोटे कॉस्मेटिक्स चेंज है। ग्राफिक्स में चेंज है, आपको डेफिनेटली पता है ग्राफिक्स तो चेंज होंगी अगर पूरा वेरिएंट अगर चेंज करेगा कोई भी कंपनी बाइक का। बात कर लेते हैं हिमालयन के बारे में थोड़ी बहुत। तो जो इंजन आता है लगभग 411 cc का आता है, 24.3 ब्रेक हॉर्स पावर पंप आउट करता है और 32 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क पंप आउट करता है एंड लगभग 15 लीटर्स का इसका फ्यूल टैंक आता है और 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर का आपको माइलेज मिल जाएगा। बात करें जाए ब्रेक्स की तो डुअल डिस्क ब्रेक आते हैं इसके अंदर ABS के साथ एंड स्विचेबल ABS आता है, मतलब ऑन ऑफ कर सकते हो अगर आप ABS को। जो फ्रंट डिस्क ब्रेक आता है लगभग 300 मिलीमीटर का आता है, रियर डिस्क ब्रेक 240 मिलीमीटर आता है। फ्रंट जो व्हील आता है लगभग 21 इंच का आता है, रियर व्हील जो आता है लगभग 17 इंच का आता है एंड स्पोक व्हील्स आते हैं, ट्यूब टायर्स आते हैं। यार ये मेरे को कहीं ना कहीं एक डाउन साइड लगती है कि यार ट्यूब टायर्स, मतलब यार पंचर हो जाए तो गाड़ी वहीं खड़ी हो जाती है, उसमें दिक्कत रहती है। बट फिर भी कोई नहीं, एक ऑफ रोड व्हीकल है तो ट्यूब टायर्स तो होंगी इसके अंदर। जो वेट है ओवरऑल लगभग 199 किलो का है, 200 किलो की बाइक है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करी जाए तो 220 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस है, बहुत ही बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है। आप कहीं भी पहाड़ वहाड़ पर कहीं भी ले जा सकते हैं आप इस बाइक को आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीट हाइट की बात करी जाए 800 मिलीमीटर की सीट हाइट है, मेरी हाइट है लगभग 5'8", 5'9" के आसपास एंड मैं बहुत कंफर्टेबली बाइक को चलाता हूँ। इसकी आराम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना आपको ट्रैफिक में प्रॉब्लम आएगी, ना आपको सिटी राइडिंग में आएगी, हाईवे राइडिंग में आएगी, किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आपकी हाइट 5'6" से नीचे है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आनी आवश्यक है, आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा हाइट से रिलेटेड सिर्फ ट्रैफिक के अंदर, बिकॉज बाइक उस समय संभालनी पड़ती है थोड़ी बहुत ट्रैफिक में। बाकी हाईवे के लिए बहुत स्मूथ बाइक है, शानदार है, इंजन बहुत बढ़िया है, टॉर्क बहुत बढ़िया है एंड ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इंजन की बहुत बढ़िया है, बहुत टॉर्की इंजन है एंड ग्राउंड क्लियरेंस हाई होने की वजह से बहुत ही वर्सेटाइल बाइक हो जाती है, स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए। बिकॉज इतने यार अपने खड्डे वड्डे होते हैं, स्पीड ब्रेकर्स बना रहे होते हैं कहीं भी किधर भी, तो उसको संभाल के चलाना पड़ता है। एंड ओवरऑल जो है टायर्स बहुत बढ़िया है, डुअल पर्पस टायर्स हैं एक तरीके से, बोथ फॉर रोड्स एंड ऑफ रोड। बट इसके अंदर जो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं लगती है कि यार हो सकती है ठीक, वो है सीट हाइट। यार अगर सीट हाइट थोड़ी कम कर देते तो यार बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक हो जाती शॉर्ट राइडर्स के लिए भी। वैसे कंफर्टेबल बाइक है बहुत ज़्यादा, बट यार शॉर्ट राइडर्स का भी थोड़ा बहुत अगर ध्यान रख ले रॉयल एनफील्ड तो बहुत बढ़िया हो जाएगी। सो गाइज आज की वीडियो में सर इतना ही था, इट वॉज ऑल अबाउट द हिमालयन BS6 EMI कितनी होती है, डाउन पेमेंट कितना होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, बाकी सब चीज़ों को आपको पता ही लगी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, वीडियो को शेयर जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर बिल्कुल नहीं जाना है, नीचे प्यारा सा लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उसको थोड़ा मोड़ा फोड़ो जो करने करो सब जाना चाहिए, साथ में घंटे का अंदर अगर मत जाएगा। इंस्टाग्राम में मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, throttle_98 इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। मिलते हैं आप सभी वीडियो में, थैंक यू फॉर मेकिंग ए पार्ट ऑफ इट, आई विल सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ, बाय।